अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो है मैंने बोला स्टार्ट राजा के साथ ज़रा कर लेते हैं वीडियो का, और फार्म की अपडेट देनी है। ज़्यादा लेंदी ये भी वीडियो नहीं हो सकेगी, माजरत, क्योंकि मैंने पीछे से जो है ना वो बकरा उठाना है काशिफ भाई के पास से। वहाँ की भी दिखा दूंगा बकरे फॉर सेल के लिए उनके हैं, उनका वो बता रहे थे कि जो है ना अगर हो सके तो किसी और को भी चाहिए तो दे देंगे मुनासिब पैसों में। तो मैंने हकीकी के लिए लेने थे तो मैंने उनके देखे हुए थे, मैं वो जाके उठा रहा हूँ। हो सके ज़ाहिर है अब दिखाऊंगा फिर वो बकरे। बाकी फार्म पे कहाँ तक काम पहुँचा, क्या अपडेट चल रही है और राजा कैसा हो रहा है। बाकी पीछे माशाल्लाह शपाटर देख सकते हैं, बिग बॉस माशाल्लाह, बाकी भी लाल बादशाह वगैरह सब अलहमदिल्ला बहुत बेहतरीन पे अल्लाह के करम से, क्योंकि जब से जगह सेट हुई है मुझे बहुत तंग कर रहा है ये धोखा। ये देख मुझे बस हटा देगा, गिरा देगा, धक्का दे देगा माशाल्लाह। तो दोस्तों फार्म की जो है ना कंडीशन दिखा देता हूँ। अभी भी नसर भाई माशाल्लाह काम पे लगे हुए हैं, और चारा थोड़ा सा जो है ना आज थोड़ा सा जो है ना इन्होंने कम थोड़ा मतलब बचाया है, थोड़ा थोड़ा आज फुल नहीं उठाया हुआ। तो आई गेस वो यहीं पर बंधे हुए हैं ना, खुल नहीं रहे यहाँ से, तो इस वजह से ये मामला है, क्योंकि वहाँ पे अभी कंडीशन है नहीं इनको खोला जाए। लेकिन एक और पेड़ा जो है ना वो अलहमदिल्ला कम्प्लीट हो गया है, और कल मैं फार्म पे ही नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि मैं गया हुआ था एक जो है ना इस्तबल में, और वहाँ की बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है जो कि इंशाल्लाह रेड एम जी चैनल पे वो आएगी इंफॉर्मेटिव के तौर पे, और मेरी तो आएगी वे तफरी के तौर पे, मैं वो कल डालूँगा। तो ये वजह है, और बाकी इंसिस्ट कर रहे थे काफ़ी लोग कि आज ही डाल दें, तो ये है कि भाई उनके नहीं हुआ ना। बाकी फार्म पे क्या होने जा रहा है आगे, क्या प्लान्स हैं कुछ, वो भी अगर आपको बताते हैं, और कंडीशन अभी दिखाते हैं हम लोगों का। भाई यहाँ पर मेंटेनेंस चल रही है नसर भाई की, और बछड़े देख सकते हैं, ये सिम्बा घर के देखे कहाँ खड़ा हो रहा है जाके, माशाल्लाह माशाल्लाह सिम्बा का कलर खिलता जा रहा है, और माशाल्लाह सिम्बा भी माशाल्लाह। इसकी मैं वो 7 महीने पहले जब ये आया था ना फार्म पे, तब मैं देख रहा हूँ इसकी वो वीडियो, यार ये कितना जो है वो पतला दुबला और छोटा सा था, और अब माशाल्लाह देखें यार माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसको नज़र बस से बचाए। बाकी ये है कि भाई ज़बरदस्त चल रहा है, ये भी माशाल्लाह कद निकाल रहा है ज़बरदस्त नयाब माशाल्लाह। जानवर ओके की रिपोर्ट चल रही है वैसे तो अलहमदिल्ला, क्योंकि यहाँ पे बंदे भी रह रहे हैं, ये देख सकते हैं वो सारा किया था 2 दिन में कीचड़ कीचड़, ये भी थोड़ा थोड़ा हो गया। अभी एक इसको बेहतर करने के लिए कर रहे हैं नसर भाई को मैंने बोला कि मिट्टी जो है ना वो किसी तरीके से यहाँ से ला के और डालो, लेकिन मसला ये हो रहा है कि यहाँ पे मिट्टी लाने में इशू हो रहा है थोड़ा ना ज़्यादा। बछड़े साहब दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि जो ऑनर्स हैं वो भी देख लें भाई, उनके जानवर अलहमदिल्ला खैरियत से हैं। तो पॉपकॉर्न इधर करो भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार आज भी बारिश नहीं हुई अलहमदिल्ला, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2-3 दिन में इंशाल्लाह जानवर और बेहतरी की तरफ जाएंगे, अगर जहाँ पे जगह सेट हो जाएगी ना इंशाल्लाह तो और बेहतरी की तरफ जा रहे होंगे जानवर माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑक्सी तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई भर काफ़ी छोटे छोटे हो गए उसके जो बाल आने वाले, डॉक्टर साहब वाले माशाल्लाह। ये वाले बछड़े यहाँ देख सकते हैं पीछे की तरफ क्यों नहीं बंधे हुए सारे, मैं वो दिखाता हूँ आपको, इसलिए नहीं बंधे हुए कि पीछे वाला पेड़ा बिल्कुल सेट कर दिया है। अब इसको आज इसलिए शिफ्ट नहीं कर रहे ये लोग, बोल रहे हैं कि थोड़ा और सूख जाए, मिट्टी गीली है हवा लग जाए थोड़ी, मिट्टी थोड़ी सूख जाए। मैं तो कहूँगा नसर भाई थोड़ी एक एक ट्राली और डाल के नहीं बिछा दें और ऊंचा, वैसे तो आप देख सकते हैं अगर ये भी काफ़ी है। अभी ये वाला तो मोहरम ख़त्म हो गई है, वो वाली मोहरम वहाँ से लानी है, तीन चार उधर से लगेगी। बाकी नसर भाई के लिए भाई दुआ करें, इनकी तबीयत डाउन चल रही है क्योंकि मेहनत इतनी कर रहे हैं कि वो थकन और बुखार थोड़ा चल जाता है। तो मैं तो कह रहा हूँ चल लो दवाई लेने, ये कह रहे हैं क्या है 10 चढ़ता है बुखार वो थोड़ी देर के लिए फिर खुद सेट हो जाता है। बाकी भाई इस जगह पे फिलहाल जानवर बांध दिए थे, और क्या कहते हैं अभी ये कि जानवर यहाँ पर हैं तो डिस्टर्ब ही, लेकिन बेहतर है उस जगह के नस्बत बेहतर है। अब वो जगह बेहतर हो गई, कल इंशाल्लाह ये वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जानवर मैं आपको सारे दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं सारे जानवर माशाल्लाह हेल्दी हुए हैं, क्योंकि चारे में ये सातकैन भाई, इसके न्यू ऑनर है, मुझे नाम उनका अब याद हो गया, सातकैन नाम है उनका इस बछड़े के, वो ऑनर है।
माशाल्लाह, ये तो ऐसा डरपोक है कसम से, अपने आप को नुकसान दे देंगे, इतने डरपोक हैं। वो इंजेक्शनों की ऐसे डर डर गए हैं बस। ये बहुत गंदा हो गया बेचारा, गंदा ही हुआ हुआ था, बस साफ़ करने का मौका नहीं लगा। बस अभी फार्म साफ़ हो जाए तो जानवर भी साफ़ हो जाएंगे इंशाल्लाह यार, और देखते हैं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाकी क्या होता है। बाकी इस तरफ चल लेते हैं, बड़े बछड़ों को नहीं दिखाया मैंने, वो भी दिखा देता हूँ। और बकरों की जो है वो शेड पे थरपाल लगाया है तो वहाँ पर ही रहेंगे भाई। ये बिग बॉस माशाल्लाह, ओके की रिपोर्ट चल रहे हैं माशाल्लाह से ये भी। और ये चल रहा है भाई टॉप, लाल बादशाह। लाल बादशाह की 6 महीने पहले जब ये लेकर आए थे पैदल, मैं और नसर भाई, उस टाइम की वीडियो देख रहा हूँ। लाल बादशाह की ये चीज़ ना, ये चीज़ नोक बनी हुई है और ये दबी हुई है, और माशाल्लाह से अभी ये इसने यहाँ से ही भर लिया काफ़ी हद तक, मतलब अभी भी, अभी तो खैर बहुत गुंजाइश है, झोल में आ रहा है ज़बरदस्त करके। और ये वाले माशाल्लाह दबंग को वापस खड़खड़ा करूँगा इंशाल्लाह हफ्ते इतवार में जल्दी आके। आज मैंने आप लोगों को बताया थोड़ा सा मुझे जल्दी है, मैं ज़्यादा टाइम फार्म पे नहीं दे सकूँगा, अभी भी मुझे बस आधा ही घंटा हुआ है फार्म आए हुए। मैं पहले माल देखूँ, जानवर सारे देखूँ, फिर देखें सब, उसके बाद मैं चलो आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाऊँ, अपडेट बनाऊँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बादामी बादशाह, ज़बरदस्त बादामी। एक दफ़ा फिर सही से दिखा देता हूँ माशाल्लाह। ये आ गया भाई सुल्तान, खाने का शेर है भाई ये, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर उससे बचाया माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और ये आ गए हमारे शाने करीम, फ़खरे करीम, सॉरी फ़खरे करीम। थोड़ा सा जो है ना डिस्टर्ब थे 2 दिन पहले, इनको बुखार था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी ट्रीटमेंट के बाद ही ये सही हो गए। ये यहाँ खड़ा हुआ, और ये यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे वो जगह शॉर्ट हो गई थी, इसलिए यहाँ पे लाके इसको बांधा है, और कोई बात नहीं है। तो ये है बाकी भाई आपके अपने ठाकुर 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 की सिंगे बड़ी हो गई अब और ज़्यादा, ठाकुर की माशाल्लाह फिर से सलवटे आना शुरू हो गए चेहरे पे, और रोबदार चेहरा फिर होने लग गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, भरने लग गया ये काफ़ी माशाल्लाह से। चलें अब चलते हैं ज़रा बछड़ियों की तरफ, और सारे बछड़े तो मैंने आपको दिखा दिए, सारे दिखा दिए मेरे ख्याल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जगह काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन ये कि अब इसमें मज़ीद इंशाल्लाह जो है ना वो डालेंगे भालू मिट्टी, थोड़ा सा डाली भी है, बल्कि नसर भाई ने एक ट्रॉली डाली है बता रहे हैं, और इंशाल्लाह लेकिन आगे और डालेंगे, क्योंकि अभी खुल नहीं रही, मुस्तकिल यही बंदे हैं। आप देख सकते हैं बाहर की कंडीशन है नहीं, इनको खोल के बाहर बांधा जाए, लेकिन ये जगह इन्होंने थोड़ी कर दी है। ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे पैर रखने लायक नहीं है, घर ढस के ख़राब होगा। ये जगह माशाल्लाह जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर कर दी, क्योंकि वो मिट्टी भी थी, फिर इसका रास्ता भी सही कर दिया, आने जाने के लिए भी आसानी हो गई है। भालू मिट्टी आपके सामने यहाँ पड़ी है, आप देखें ये बारिश की वजह से ये भी गीली हो गई है काफ़ी, ये देख सकते हैं अंदर दिख ही रहा है ये बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हैं जम रही है अब, सिर्फ ये सूखा वाला ऐसा है, ये गिर के भैया ओढ़ रहा है, अभी देख सकते हैं इतनी सी लेयर बस सूखी हुई है, बाकी देखेंगे फिर यहाँ से गीला है। तो ये सीन है बॉस, देखते हैं अब क्या होता है, अल्लाह का नाम लेके बिछा तो रहे हैं, यही कोशिश है कि यार बस जल्द से जल्द जो है ना वो सेट हो जाए, क्योंकि आगे का सितंबर के स्टार्ट में फिर से बारिशों का सुना हुआ है, तो आज तो थोड़ी सी धूप, सूरज थोड़ा दिखा, बादल जो है वो कम है, लेकिन है गर्मी नहीं है, बस गर्मी नहीं आ रही। बकरों के हवाले से भी थोड़ा सा बता दूं, बकरों में भी काफ़ी बीमारी चल रही है, बकरे मतलब हमारे फार्म पे नहीं, वैसे बता रहा हूँ कि बकरे बीमार हो रहे हैं, और बकरों में जो है वो नज़ला खांसी वाला मामला चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जब बकरे किए ना उसके बाद से बहुत बेहतरी हुई है बकरों में माशाल्लाह से, वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्ब हुए हुए थे बकरे, लेकिन ये है कि यहाँ पे वापस कर दिए, और इनमें जो है वो थरपाल ही मैंने बोला था ना आपको लगा दिया है, बस ये है कि किसी ऐसे ही बस लगा दिए ताकि अभी काम चल जाए। आई गेस इन लोगों ने डंडा भी रखा था, वो गिरा दिया है। हाँ भाई शेरू कैसे हो, शेरू आ गया प्यार करवाने मुझसे, शेरू मुझसे बहुत प्यार करता है माशाल्लाह से, मैंने नोट किया है शेरू जो है ना आता है लाजमी मेरे पास प्यार व्यार करवाने। कैसी हो,
तो भाइयों धुम्बे धुम्बिया, हमारी बकरी भी एक बच्चा देने वाली है, और ये वाली जो धुम्बी खड़ी है ना, ये वाली, ये भी माशाल्लाह से जो है वो इंशाल्लाह ब्रीड करने वाली, फर्स्ट ब्रीड होगी इसकी, और ये हमारी ही फार्म की ब्रीड है। अब कजले से ये माँ इनकी बैठी है और छोटी सिस्टर बैठी है इसकी। तो भाई ये सीन है, बाकी ये है कि माशाल्लाह से इरफान की, इरफान भाई की बकरी भी माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी, और क्योंकि क्रॉस आई गेस हो गई थी, तो ये अब माशाल्लाह से इसने हेल्थ भी अच्छी कर ली है, बहुत बेहतर कर ली है। ज़ैब का बकरा माशाल्लाह बैठा है, सेट है यहाँ पे, ये क्या कहते हैं उसामा भाई का बकरा। तो ये सीन है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बेचारी है ना भाई, कह तो रहे थे ये क्रॉस हो गई, ये बच्ची 7 महीने 8 महीने की है ये सारी, पता नहीं क्या इसको पड़ी थी क्रॉस होने की, इसी से हुई है। देखते हैं क्या चीज़ जो है ना वो नतीजा आता है। बाकी यहाँ से थोड़ा सा जो है ना कीचड़ आता है, इधर की तरफ भी कीचड़ कीचड़ है। ये दरवाज़ा लोग खुला छोड़ के चले गए, लोग बताओ यहाँ पे कीचड़ है भाई, काफ़ी कीचड़ है। मगर ये कि बछड़ियाँ वछड़ियाँ अलग हैं बछड़ों से, और माशाल्लाह लैला काफ़ी बेहतर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये पटेल भाई की भी, अभी पटेल भाई की बछड़ी भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेहत में आई थी, तो अच्छी सेहत में ही परवान चढ़ रही है। प्रिंस प्रिंस अब छोटा छोटा सा नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये माशाल्लाह नूरी नूरी माशाल्लाह माशाल्लाह सेट चल रहे हैं। आप लोग भी कमेंट बताइएगा। पेंगुइन, पेंगुइन की भी मैंने 6 महीने पुरानी इसकी अनलोडिंग की वीडियो देखी यार, थी तो गोल मटोल सी ही इस वीडियो में अगर देखेंगे, लेकिन छोटी सी बहुत थी, काफ़ी छोटी थी ये। माशाल्लाह इसने अच्छी अच्छी ग्रोथ जो है ना निकाली है, और एक ये भी करने लग गई है, बस ज़्यादा मार धाड़ बस उड़ा दूँ किसी तरीके से सामने वाले को, चाहे कोई भी हो। और ये हमारी जैस्मीन रुबाब माशाल्लाह भाई, मैं इसलिए सबको यहाँ आके एक एक करके दिखा रहा हूँ ताकि जो ऑनर्स हैं वो भी देख लें भाई, परेशान ना हो कि जानवर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी डिस्टर्ब ज़रूर हैं कि भाई खड़े होने की बैठने की सही जगह नहीं है फ़िलहाल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के एतबार से वो सेट हैं। और ये ब्राउनी यकीनन मस्ती कर कर आ रही है भालू मिट्टी पे माशाल्लाह। और ये आ गई हमारी भाई मस्तानी, मस्तानी की जो बच्चे बच्चे से निकल गई है मस्तानी, बच्ची बच्ची नहीं लग रही भाई, इसको खुला की छोड़ा हुआ है इसके मोहरे की वजह से भाई, इसका नाक जो है ना काफ़ी ख़राब हो गई मोहरे की वजह से, इसको फ़िलहाल खुला छोड़ दिया था, और एक और बच्चों को तो खैर थोड़े और को भी खुला छोड़ा था, लेकिन उनका इशू नहीं, जो ये इसलिए छोड़ी हुई कि भाई इसका मोहरे का मसला है, मोहरा जो है ना इसको इसकी नाक काट देता है, बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। बाकी माशाल्लाह बछड़ी अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमारी गुलाबों, गुलाबों को तला भाई ने बताया कि माशाल्लाह इसको 5 महीने हो गए यार, हमें तो पता भी नहीं चला माशाल्लाह, देखो टाइम कितने जल्दी गुजरा। और ये जो है गुलाबों की बेटी है, और यहाँ पे गुलाबों माशाल्लाह एक और, अब ये गुलाबी बछड़े से लगी कर उसको इंसेमिनेशन हुई थी, तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। बाकी वो इरफान भाई की प्रिंस की माँ, ये माशाल्लाह सेहत में अच्छी है। और ये आ गए भाई हमारे मुफासा की माँ, और पीछे चल के दिखा देता हूँ, यहीं से दिखा देता हूँ मुफासा वगैरह भी, और बाकी स्कार और चौकबार। ये नया वाला बच्चा, ये बच्चा आया था भाई, आप लोगों को मैंने जिक्र तो कर दिया था, तो समीर ने भी अपने चैनल बताया इसकी क्या क्या बात थी, इसे ऐसे रुका ही है। बाकी दादा आप देख सकते हैं खुले खुले में ही हैं, बाकी नवाब और चौकबार स्कार, ये रहा बुर्राक वरा। बुर्राक को भाई एलर्जी जो है ना पहले भी हुई थी, रेड वाली हुई थी, अभी काली काली एलर्जी एक कहलाती है वो ही हुई भी है, लेकिन ये इतना मसला नहीं है इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ दिन में सेट हो जाएगा। मैं असल में सही दिखा नहीं पा रहा, चलो भाई आगे पीछे हो माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी है। इसके बाल भी अब माशाल्लाह आ गए, जैसे जैसे बाल इसके ख़राब हटे थे अल्हम्दुलिल्लाह। सही नहीं दिखा पा रहा मैं आप लोगों को इसको, वो पीछे बुर्राक भी सही नहीं दिख रहा। अच्छा ये बुर्राक मिनी है जो कि अगले सालों के लिए है, बाकी है कि वहाँ पर जो है बुर्राक बड़ा वाला बुर्राक भी खड़ा हुआ है, और मैंने आप लोगों को उसका नाम आई गेस बता तो दिया था, जो क्रॉस बछड़ा है, बड़ी मुश्किल से जो है ना वो चल के आना पड़ा है सही सलामत यहाँ से। और ये लाल बछड़ी यहाँ पर दिखानी रह गई थी डॉक्टर आसिफ सुमर की,
आई गेस यही नाम है उनका पूरा। भाई मुझे इस बछड़ी में बड़ा वो होता है कि माशाल्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा इसने एक्सट्रीमली चेंज लाई है अपने आप पे माशाल्लाह से, साइज़ के अतबार से भी और क्या कहते हैं अपना बनाव के अतबार से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चेंज लाई है। फ्रेंड्स की माशाल्लाह एलर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। चलें दोस्तों वहाँ चलते हैं, अब जो है ना बकरे को जाके जो है ना वो देखते हैं, जो मैंने बकरा वीडियो में देख के पसंद किया हुआ है वहाँ जाके कंटिन्यू करते हैं। अच्छा दोस्तों भाई मैं जो है वो भाई काशिफ भाई के फार्म पे आ गया, अभी फार्म भी दिखाता हूँ और आप लोगों को ये भी बताता हूँ भाई फार्म भी यहाँ पे अवेलेबल भी है, फार्म दिखाता भी हूँ कि भाई ये क्या बना हुआ है और ये अवेलेबल फॉर रेंट भी है और अवेलेबल फॉर सेल भी है। ये वाला बकरा भाई हमने डन किया है, थोड़ा सा बेचारा बुखार में लग रहा है लेकिन ये बकरा मैंने डन किया, मैंने बोला थोड़ा सही हो जाएगा और मुनासिब है, हमें इतना ही चाहिए था तो ये है कि ये वाला बकरा मैंने डन किया। बाकी बकरे भी दिखा रहा हूँ यार, ये भी फॉर सेल के लिए है, अगर कोई भी किसी बंदे को चाहिए हो ऐसे दरमियाने छोटे बकरे तो वो काशिफ भाई का मैंने नंबर दे दिया है, रابطہ कर सकते हैं ठीक है, गोश के लिए या कीके के लिए वैसे ही चाहिए हो तो भाई रابطہ कर सकते हैं। आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड कर दिएगा, इंशाल्लाह मुनासिब रेटों में आपको मिल जाएंगे ये बकरे। अट्ठारह बीस किलो, बाईस किलो इस साइज़ के अंदर के उसमें ही है, मेरे गोश में बता रहा हूँ मैं ठीक है, इंशाल्लाह इस हिसाब से होंगे। और एक वो है साफ सुथरा था, बाकी फार्म दिखाता हूँ भाई इस बकरे के बाद और फार्म पे क्या बना हुआ है, ये भी माशाल्लाह अच्छा साफ सुथरा बकरा है ठीक है। अच्छा 2000 गज़ की टोटल जगह है, आप देख सकते हैं वहाँ से गेट और बाउंड्री वॉल सब हुआ हुआ है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है। इन्होंने आई गेस ये पानी को यहाँ पे यो कराया है क्योंकि इसके अलावा कहीं पानी नहीं है, आप ये भी देख सकते हैं खुरलियाँ बनी हुई हैं, 12 माल की ये वैसे खोर बनी हुई है ना, 12 खूंटे लगे हुए मैंने गिने थे अभी, शेड आपके सामने शेड बना हुआ है, ज़्यादा टाइम पुराना ये ही बना हुआ, ये अभी इन्होंने बकरा ईद से पहले काम किया था, एक कमरा बना हुआ है ये देख सकते हैं, आई गेस स्टोर रूम होगा, ये बकरों का वैसे तो शेड है और इन्होंने फ़िलहाल अभी अपनी मुर्गियाँ वगैरह छोड़ी हुई हैं, गेटेड है, ज़्यादा अंदर भी नहीं है रोड के, मेरे फार्म के आप समझ लें मेरा फार्म जो है ना आई गेस वो जो मेरी टंकी नहीं नहीं मेरी टंकी नहीं है वहाँ पर झंडा लगा हुआ है, इस तरफ ही है आप मेरा फार्म मेन रोड की तरफ है, ये पीछे की तरफ है, एक ही रोड अंदर आता है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है, तो ये देख सकते हैं। बाकी इन्होंने मुर्गियों के वगैरह के हवाले से भी कुछ बनाया होता है, वैसे ये बड़ी जगह है, वो कह रहे थे कि जिसको जैसी जगह भी चाहिए होगी रेंट पे भी अवेलेबल होगी और फॉर सेल के लिए 2000 गज भी है अवेलेबल है, बस वही बात है जो जैसे रابطہ करें। चले हम ज़रा बकरा अब ये अपने बाइक पे बैठा के, भाई को मैं लेकर आया था साथ, तो ये खेल किस तरह ये ज़रा दिखाता हूँ, बड़ा ही प्यारा सा माशाल्लाह खरगोश, ये चेक करो यार माशाल्लाह रेड आइज में थोड़ा सा बस गंदा हो रहा है बेचारा, लेकिन वैसे माशाल्लाह कितना प्यारा है, सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसा लग रहा है रुई, अबे रुई है यार, रुई लग रही है, इनको भी ऐसे उठाते हैं ना कानों से उठाते हैं इनको है? पता नहीं मैंने तो उठा लिया अब लोग बोलेंगे अपने फार्म पे भी ऐसे रख लो, कल घोड़े की वीडियो पर दो तस्वीर लगाइए, कह रहे हैं अपने फार्म पे भी रख ले, अरे भाई हर चीज़ हर बंदा नहीं रख करता, खैर रखेंगे इंशाल्लाह, ये मेरे भाई को बहुत शौक है घोड़े का इसके लिए रख लेंगे। चले भाई अपना बकरा उठाते और बस यहाँ पे करेंगे भाई वीडियो को एंड, और वैसे तो जो है ना थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, आप लोग जितना कह रहे हो लॉन्ग वीडियोस करूँ लेकिन उतनी ही मैं शॉर्ट होते जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये मामला सेटल डाउन हो जाए इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाह तो फिर से 25 मिनट और 30 मिनट के इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊँगा। और मैंने कहा था मैं नाइट स्टे करने का प्लान कर रहा हूँ लेकिन आज वो मुमकिन नहीं लग रहा, तो देखते हैं हो सकता है हफ्ते की रात को हो सकता है, बल्कि हफ्ते की रात ही हो सकता है वो, देखते हैं कब होगा वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। बाकी यार मज़ीद भी आप लोग जो भी कोई भी अगर आप चाहते हैं मैं किसी हवाले से फार्म पे किसी हवाले से वीडियो बनाऊँ अपने फार्म पे, मुझे ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये भाई मज़ीद ऐसे ही जो है ना सपोर्ट करते रहें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर लें, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।